आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। सियासत में उस सियासतदान के हिसाब से बात करेंगे। अगर भाई निकाल हम लोग पहले तो किसी को छेड़ दे ले और अगर कोई छेड़ दिया तो फिर उसको। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। अब तक के अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खास तौर से आज जो वीडियो देख रहे हैं MIM के जितने भी चाहने वाले हैं उनसे मेरी खास तौर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं आज एक प्रोग्राम में जो भिवंडी शहर में मोमिन जमात खाने में किया गया है, जिसमें भारी तादाद में MIM के चाहने वाले, MIM के दर्शक, MIM के लोग मौजूद थे। मुंबई के एडवोकेट वारिस पठान साहब आए हुए थे, उनके साथ में भारी समर्थकों के साथ में इस प्रोग्राम को किया गया और क्या कुछ कहा गया इस प्रोग्राम में और क्या कुछ किया गया इस प्रोग्राम में, आइए हम ले चलते हैं आपको भिवंडी के समझ नगर के मोमिन जमात खाने में, जहां ये प्रोग्राम चल रहा है और जहां पर उनकी स्पीच चल रही है। उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, क्या कुछ नहीं कहा और कैसे वो आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, हमने तमाम जानकारियां आपके लिए मुहैया करके रखी है। तो देखते रहिए हमारे साथ भिवंडी समय न्यूज, मैं सुल्तान कुरैशी। देखिए आज बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का मौका है कि आज आप तमाम ने देखा कि किस तरह से हम जब भिवंडी में आए तो लोगों का पूरा जमावड़ा जम गया था। पूरी जो हमारी रैली चली, रास्ते से जो हमारे दोस्त हमको मिलने आए थे, दो घंटे तक हमारे साथ रहे तमाम, मैं हमारे साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता हमारे सब एक साथ में आए, लोगों का प्रेम मोहब्बत देखने को मिला। और बिल्कुल भिवंडी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, भिवंडी में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा किस तरह के खड्डे हैं यहाँ पर, मैंने अपनी स्पीच में भी बताया, खड्डों का जिक्र किया। तो अब अगर आपको सत्ता में आए हो तो आपका फ़र्ज बनता है काम करो। अभी लॉकडाउन तो नहीं है, जब कोस्टल रोड जैसे काम हो रहे, डैम बन रहे, सब बन रहा है, तो आपको रास्ते बनाने से किसने रोका? तो एक छोटी सी बात है, रास्ता आपने नहीं किया। दूसरा, विकास के लिए आपने क्या किया? लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, ना उसके लिए आपने कोई जॉब फेड लगाया, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ के जो जीते हुए लोग हैं उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है, और लोगों की मोहब्बत जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है वो तो आप देख ही रहे हो। और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, यहाँ का फरवरी में चुनाव आएगा, लड़ेंगे। और आज तो अब ये तो बहुत प्रीमैच्योर स्टेज है कुछ बोलना है इस वक्त, मैं तो आज आया हूँ, कार्यकारी मिला हुआ है, मगर इंशाल्लाह चुनाव ज़रूर लड़ेंगे भिवंडी से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आएंगे यहाँ पर भिवंडी में, सभा करेंगे, जलसा करेंगे। और चुनाव का बिगुल तो हम 5 साल पहले ही बजा देते हैं, जिस दिन से हम चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से हम लग ही जाते हैं पूरी तरह, इलेक्शन ख़त्म, चुनाव की तैयारी शुरू, बिगुल की कोई बात नहीं, हम बस काम करना है। चुनाव में क्या बंधन पे लड़ेंगे या फिर अकेले MIM अपने कार्यकर्ता? देखेंगे, जिसको आना है आए साथ में, हमारा तो टारगेट है बीजेपी सेना को हमको हराना है, ख़त्म हो गया। अभी फिलहाल ये बोलना बहुत सही नहीं है, मगर हमने खालिद गुड्डू साहब ने 44,000 वोट लिया था, एक आदमी बड़ी बात। सर, चुनाव में तो हमेशा मुद्दे जो है गटर रोड और ये सब, खासतौर से MIM का मुद्दा क्या रहेगा? कि हमारे मुद्दे ये है कि इतने सालों से जो आपने वोट लिया यही मुद्दे बताकर लिया था आपने, आपने नहीं किया। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स यहाँ से जीत कर बलदिया में जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं, तो बिल्कुल आपका काम 100% होगा। हम हमारे काम से ही जाने जाते हैं, अवर वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी, काम ही हमारा पहचान, काम करने में मानते हैं। MIM के लोग 44,000 वोट के भरोसे बैठे हैं, उनका खुद का भी कुछ टारगेट है? MIM पब्लिक की मोहब्बत देख रही है, MIM के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए पब्लिक की मोहब्बत आज जो है पूरे देश में और भिवंडी की आवाम के दिल में भी, वो आप सबने देखा। और मुझे यकीन है कि भिवंडी की आवाम असद ओवैसी साहब को देखते हुए पूरी तरह से उनका साथ देगी, अपनी मोहब्बत से नवाजेगी, अपनी दुआओं से नवाजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भिवंडी नहीं पूरे देश में कामयाबी मिलेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब है जनता का? देखिए, हमने DG से बात किया जाके, DG साहब ने हमसे कहा कि उनकी इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी चल रही है, तो जो भी है सच झूठ सामने आएगा,
लेकिन जो हमारे पास भी एविडेंस हमने पेश किया है, हमको यकीन है कि खालिद गुड्डू साहब को बेकसूर एक पॉलिटिकल वेंडेटा के ज़रिए फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। वो बेकसूर इंसान जेल में है, मगर मुझे यकीन है कानून पर भी कि वो ज़रूर जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएंगे, आएंगे और हमारे साथ आपके बीच में देखा जाए। पार्टी आप वकील हैं और ऐसे में आपने इसके ऊपर कोर्ट में कोई न्याय के लिए दाखिल, उनके बेल एप्लीकेशन डाले, बेल भी हुई है काफ़ी केसों में, अब जो एक दो कुछ बचा है उसके अंदर भी बेल हो जाएगा और इंक्वायरी है, मुझे बहुत यकीन है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, मुझे देश के कानून पे पूरा यकीन है। सर अभी आपने कहा कि एमआईएम ने अभी इलेक्शन का बुगुल नहीं बजाया, बुगुल नहीं बजाया तो ये आलम है, बुगुल कब बजाएंगे? एमआईएम ने मैंने क्या कहा, जब पिछला चुनाव खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से हमने बिगुल बजा दिया, हम नेक्स्ट डे से काम पे लग जाते, हमारी सारी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। आप देखिए चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, पब्लिक के बीच में रहकर उनका काम करना सबसे बड़ा मानवता के प्रति है। पार्टी दो गुटों में बंटी हुई है, पार्टी साफ साफ नजर आता है, इससे कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? आपका भरम और आपका वहम है, ये भरम पब्लिक कोई पार्टी किसी में बंटी हुई नहीं है। शादाब भाई है, अमोल भाई है, अबरार है, हमजा है, ये तो हमारे कॉरपोरेटर है, सब साथ में, हम साथ साथ है। ये कुछ लोगों को तकलीफ जो हो गई है, पेट में जलन हो गया है, घबराहट हो गया है, उन लोग इस तरह की अफवाहें बार फैलाते रहते हैं कि इनमें आपस में इंतशार है, बटी हुई है, कोई बटी नहीं हुई है, ये पांच उंगली है, ये एक मुट्ठी है और हम एक है, हम साथ साथ हैं। इस तरह से देखा जाए एमआईएम के ही पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है विरोध, मतलब ये कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, कहाँ किया, किधर है बताओ, किधर है, किसने विरोध किया बताओ मुझे, कहाँ है विरोधी, कहाँ है विरोधी बताओ मुझे, कहाँ है विरोधी, किधर है मुझे बताओ, नहीं अभी आपने सवाल किया, अभी आपने सवाल किया, मुझे बताओ विरोध कहाँ हुआ, आपको लगा विरोधी है वो नहीं आए? अरे सारे दिल से जुड़े हुए हैं, ये दिल की प्रेम है, दिल की मोहब्बत है साहब, देख लो ये मोहब्बत ये लोगों की है जो इतने बारिश के अंदर भीग के पसीने में आपके बीच में खड़े हैं तीन तीन घंटे से। आप एक तरफ सेकुलर पार्टियों को लता रहे हैं तो आपका सीधा टक्कर किससे होने वाला है? हमारी तो फाइट सबसे है भाई, हमारी फाइट बीजेपी से भी है, सेना से भी है, कांग्रेस समाजवादी सबसे हमारी फाइट है। हम तो लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है, ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पे है और असद साहब का कारनामा काम और उनका जो जज्बा है और जिस तरह से वो लोगों के मसले मसाइल को पार्लियामेंट में स्पीचेस में हर जगह उठाते हैं, पब्लिक उनके साथ चलती है। हाईकमान ने कोई निर्णय लिया कि किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे? वो हाईकमान निर्णय लेंगे।